व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाउमीन ऑमलेट। इसके लिए आपको लगेंगे चाउमीन, जो मैंने चार लिए हैं, चार अंडे लिए हैं, प्याज जो मैंने चॉप करके रखा है, लहसुन और अदरक चॉप करके रखे हैं, धनिया, और आपको लगेंगे चिली और नमक स्वाद अनुसार और ऑयल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी पानी को गर्म करने के लिए बैठाएंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक देंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें हम चाउमीन को दे देंगे। उबाल हो जाए, जब तक चाउमीन बॉयल हो रहा है तब तक मैं एक को बैठ लेती हूँ, ग्रेटर इसका तैयार कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसमें दो एक और बेसन भी मिला सकते हैं, बेसन मिलाने से भी होगा। इसमें एक चम्मच ऑयल दे दीजिएगा ताकि ये चिपके ना। इसको बंद कर दे रही हूँ। गैस में ऑन कर दी हूँ, फ्राई पैन तब तक गर्म हो जाएगी। चाउमीन मिक्स कर लिया अंदर में, थोड़ा करके इसमें चाउमीन में मिला रही हूँ। तो चाउमीन में दी हुई इसे अच्छे से हाथ से मिला लीजिए ताकि चाउमीन पूरा मिक्स हो जाए अंडे में। बस इसको अभी थोड़ा सा इसमें ऑयल दे दीजिए। बस से पूरा
मिक्स करके उसके बाद ही चावल को फिर से दीजिएगा। के हाथों से इसको बच्चे भी इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ये टिफिन के लिए, शाम को खाने के लिए, शाम में बहुत ही अच्छी चीज़ है। फ्लेम कम करके रखिएगा, थोड़ी देर इसको अच्छे से होने दीजिए। बहुत ही कम इसमें ऑयल यूज़ होता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें चिली मत दीजिएगा। दोनों एक बार इसको ढक्कन हटा के देखिए, अगर इसको ऐसे करके देखिए ताकि ये मिक्स से ड्राई हो जाए, फिर इसे पलट दीजिएगा। पलटने के बाद थोड़ा सा ऑयल लीजिएगा ताकि ये नीचे फिर से ना चिपक जाए। फिर थोड़ी देर के लिए इसको 2 मिनट के लिए ढक दीजिए। अभी आप 2 मिनट बाद ढककर उठा के देखिए, अभी फ्लेम को ज़्यादा कर दीजिए, उसी तरह पलट लीजिए, देखिए कितना अच्छा हो गया। थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से ऐसा ऐसा कीजिए ताकि देखिए हो गया चाउमीन ओमलेट। मैं इसको आपको सर्व करके दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आपको व्यूअर्स कितना अच्छा लग रहा है चाउमीन ओमलेट। इसको आप घर पे बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगे इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको रेसिपी समझ में आए। और इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। तो ठीक है, तो गाइड और फिर मिलते हैं, बाय बाय।